इनका ये वाला दरवाजा खोल दूं और इन सबको भाई बाहर आजाद कर दूं। 3, 2, 1 आप सब आजाद हो, चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। इसको तो भाई पता है ये पहले यहाँ मेगा केज में घूमती रही है। चलो 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 बाहर चलो। और वो जाकर बैठ गई। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो यार आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 350 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। और ये सिर्फ भाई आप लोगों का प्यार है, माशाल्लाह से भाई हमारे 350 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। और यहाँ से अभी सबसे पहले अपना चुटकू और जलेबी को बाहर निकालते हैं। शोर चेक करो भाई, हमारे चुटकू और जलेबी दोनों का शोर देख रहे हो कितना ज़्यादा। तो माशाल्लाह से यार बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। बस कुछ टाइम और है, थोड़ी सी गर्मियाँ आ जाएं, फिर इनके लिए पानी भी रखना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ मुझे पता है आप लोगों को पानी चाहिए, नहाना है आप लोगों ने भाई, ये बहुत ज़्यादा नहाने का इनका दिल करता है। लेकिन अभी थोड़ा सा यार मौसम चेंज हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई कितने ज़्यादा प्यारे। यार सर्दी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, थोड़ी गर्मी आना शुरू होती है, मौसम ठंडा मीठा शुरू होगा ना, फिर इनके लिए पानी रख दिया करेंगे, क्योंकि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैंने इनको पानी अभी रख दिया तो इन्होंने बीमार हो जाना है। और इंशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह भाई बहुत जल्द इन्होंने अंडे देना भी शुरू कर देने, लेकिन अभी टाइम है इनको अंडे देने में। और हमारे रैबिट्स के काम चेक करो भाई, देख रहे हो यार ये सर्कस से लेके आया हूँ मैं। मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया कि भाई ये जो हमारे रैबिट्स हैं हम इनको लेकर आए हैं सर्कस से। और ये देखो कितना प्यारा है भाई, डांस करते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना यार, क्यूट क्यूट से। ये छोटे वाले जो बच्चे हैं ना ये मुझसे इतना नहीं डरते हैं, ये देखो मेरे हाथ के साथ, ये देखो मेरे साथ खेल रहे हैं। कभी कभी मुझे डर लगता है, पता लगे यार ये मेरी फिंगर ही खा गए। लेकिन खैर कोई ना, माशाल्लाह से इनको फिरने देते हैं। यहाँ से इनको भी खोल दिया, चलो आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ। और अब बारी है अपना देसियों को, यहाँ से खोल देते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, देसी भी सारे हमारे अंदर हैं एक एक करके। अब ये देखना इनका बाहर आना, देखो बस ये चेक करो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई हमारे साथ के साथ जो देसी मुर्गे हैं माशाल्लाह सब ठीक है। इसमें तीन मुर्गे हैं, एक वो जो वाइट आगे वाला और एक ये वाला और एक वो वाला, ये तीन के तीन भाई हमारे मुर्गे हैं। और बाकी सब हमारी मुर्गे हैं माशाल्लाह से, सारी बहुत ज़्यादा प्यारे बिल्कुल ठीक है। और अब इनके काम चेक कर रहे हो, ये सिर्फ बाजरे को ढूंढते फिर रहे हैं, इनको जगह जगह बस अब ये फिरेंगे और बाजरा ढूंढेंगे। और इन्हों को मुझे लगता है बाजरा मिल भी गया होगा, बाजरा इनको दिखाई नहीं दिया। खैर अच्छा है, अच्छा है इनको बाजरा ना मिले। यार कल भी इन्होंने इतना ज़्यादा बाजरा खा लिया था, यहाँ पर खड़ी थी एक ये मुर्गा और एक वो वाइट मुर्गी, इन दोनों ने इतना बाजरा खा लिया, फिर इनको भाई पानी की प्यास लग गई इतनी ज़्यादा, मैंने फिर इनको साइड पे किया। भी इन सबको बाजरा रखते हैं, यहाँ से इनको बाहर नहीं खोलेंगे, अंदर ही इनका बाजरा शाजरा रख देते हैं। और माशाल्लाह से भाई इसका बच्चा देखो कितना बड़ा सारा हो गया, ये देखो बच्चा बच्चा लगता ही नहीं है अब तो, ऐसे लगता है जैसे ये फुल बड़ा हो चुका है। वो दोनों बड़े मेल और फीमेल, और ये जो नीचे बैठा है ये बच्चा, और माशाल्लाह कितना बड़ा सारा हो गया। यहाँ से पर्दा उठा देते हैं और अपने ज़रा जो पिजन्स हैं इनको भी थोड़ी देर खाना पानी खा लेने देते हैं भाई, ताकि रोशनी जाए। और बाजरा माशाल्लाह से इनके पास भरा पड़ा है, अब रोशनी जाएगी तो ये सब आके बाजरा खा लेंगे, पानी शानी पी लेंगे। आप लोगों ने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो माशाल्लाह इसके तो दोनों बच्चे निकल आए हैं, और अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। उस समय पहले भाई एक दफ़ा हादसा हुआ था कि एक जो इसका बच्चा था वो पता नहीं इन वालों ने मार दिया था या खुद ही बाहर गिर गया था, कोई पता नहीं किस तरह मरा है। खैर माशाल्लाह से अभी तक तो ये बैठी है दोनों के दोनों बच्चों पर, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वाली फीमेल के दोनों बच्चे निकल आएंगे। यहाँ पर इनको मैंने बाजरा रख दिया, और कैसे सारे के सारे पेट्स एक साथ बाजरा खाते हैं माशाल्लाह से भाई। जो डक्स होती हैं, पहले मुझे लगता था ये सिर्फ और सिर्फ रोटी खाएंगी या कुछ और चीज़ होती होगी, लेकिन माशाल्लाह से भाई ये सारे बाजरा खाते हैं। हमारे रैबिट्स भी, हमारे चुटकू जलेबी डक्स भी, और हमारी देसी मुर्गियाँ, तो फिर मुर्गियाँ तो बाजरा खाती हैं। लेकिन खैर मुझे यार ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है खाने पीने के लिए, यार अगर कोई सब्ज पत्ते छत्ते ना हो, रोटी ना हो, तो भाई मैं इन सबको बाजरा वगैरह डाल सकता हूँ। अभी चलते हैं यहाँ से मेगा केज के अंदर, और मेगा केज में चल के देख लेते हैं भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर सब कैसे हैं। और माशाल्लाह से भाई यहाँ पर मुझे सारे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 6 के 6 डब ये भी बिल्कुल ठीक हैं, और ये हमारे सारे बजीज। लेकिन यार आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे जो तोते हैं ये यहाँ पर थोड़ा सा यार तंग हैं, देख रहे हो सही तरीके से उड़ भी नहीं पाते हैं, फ्लाई नहीं कर पाते जिस तरह हमारी ये जो डव्स हैं और जो हमारे पहले वाले तोते हुआ करते थे, वो पूरे मेगा केज में खुले फिरा करते थे, जहाँ उनका दिल करता था भाई, कभी इधर ऊपर जा रहे हैं, कभी कहाँ, कभी नीचे, मतलब पूरे मेगा केज में आराम से घूम फिर लेते थे। लेकिन यहाँ पर यार ये थोड़े से मैंने एक चीज़ नोट की है कि थोड़े डिस्टर्ब हैं, खुली जगह नहीं है ना तो थोड़े तंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फिंचेस थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी,
और ये जो बजीज हैं ये थोड़ा सा यार उदास उदास से हैं। ये वो वाली फीमेल है जो पूरे मेगा केज में खुला फिरती थी और जिसने अंडे और बच्चे वहां पर दिए थे। और अभी मैं चढ़ के जरा एक दफा उस वाली मटकी की सफाई भी कर दूंगा, जो खराब अंडे हैं वो बाहर फेंक देंगे। तो यार आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि भाई क्या किया जाए। मेरा तो पर्सनली यार दिल है इनका ये वाला दरवाजा खोल दूं और इन सबको भाई बाहर आजाद कर दूं। खैर कोई ना यार, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, जब तक आप बताओगे तब तक भाई मैं ये कांड कर चुका हूँ, मैं इन सबको आजाद कर दूंगा। आजो भाई आजो आजो, आप सब आजाद हो, आजो सारे के सारे आजो। 3 2 1 आप सब आजाद हो, चलो आजो बाहर आजो बाहर आजो आजो। एक बाहर आ गया तो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। मुझे पता क्या करना होगा, मुझे इनको थोड़ा सा डराना होगा इस साइड से। ये देखो एक उड़ के गया, ये दूसरा गया, और अभी देखना है सारे के सारे फ्लाई करेंगे। माशाल्लाह इनकी खुशी चेक करें यार, ये पहली दफा बाहर आए हैं और यहाँ पर सिर्फ 3 रह गए हैं और 3 बाहर आ चुके हैं और अभी इनको भी निकालते हैं। चलो 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 बाहर चलो बाहर चलो 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 नहीं, यहाँ पर अंदर 4 रह गए और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई खुशी चेक करो यार, कितना ज्यादा खुश हो रहे हैं। चलो 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 बाहर 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 बाहर। एक और क्या, और ये देखो अब ये मेरी फीमेल उड़ेगी। ये इस फीमेल ने भी देखना कैसा फ्लाई करना है, इसको तो भाई पता है ये पहले यहाँ मेगा केज में घूमती रही है। चलो 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 बाहर चलो, और वो जाकर बैठ गई। यार खुशी चेक करो इनकी, कितना ज्यादा शोर कर रहे, कितना खुश है यार। मैंने इनको क्यों इस छोटे से पिंजरे में रखा, माशाल्लाह से। आ जाओ आप भी बाहर आ जाओ, चलो बाहर आओ, इधर से पहले इधर, अब यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, हाँ सामने से निकल जाओ। चलो 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 निकल जाओ, निकलो चलो चलो निकलो निकलो निकलो, शाबाश, भागो 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 बाहर भागो, इधर से बाहर आ गए, और शाबाश शाबाश, और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई हमारे सारे के सारे बजीज बाहर आ गए। और अब आप एक दफा सिर्फ इनकी आवाज सुने, माशाल्लाह यार कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। खैर यार मेगा केज के अंदर इनको हमने खुला छोड़ दिया है और कितना ज्यादा ये शोर कर रहे हैं, मुझे तो यार बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और खुशी भी हो रही है, क्योंकि ये जो केज है ये छोटा सा था और जो हमारे बजीज हैं वो खुला घूम नहीं पा रहे थे, उड़ नहीं सकते थे, तो ये फिंचेस के लिए बेहतरीन है, बिल्कुल बहुत प्यारा केज है। हम ऐसा करेंगे कि इंशाल्लाह थोड़ा सा मौसम सही होता है तो दोबारा से फिंचेस लेकर आएंगे और इसमें रखेंगे, और जो हमारे बजीज हैं वो भी भाई बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश हैं। घर वगैरह लगे हुए हैं, बाजरा शाजरा पड़ा है, तो खैर कोई ना यार, कोई इशू नहीं है, इशू वाली बात नहीं है, ये हमारे बाहर आराम से घूम फिर लेंगे। और मुझे लगता है कि भाई इन दोनों का पेयर लगने वाला है, और बाकी देखते हैं ऐसा ऐसा टाइम लगेगा इंशाल्लाह पेयर शेयर एडजस्ट हो जाएंगे। अब ये थोड़े टाइम तक फिरेंगे बाहर और इंशाल्लाह इनका पेयर लग जाएगा। यार मैं तो भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो हमारे बजीज हैं उनको मेगा केज में खुला छोड़ दिया और वो आराम से भाई अपनी मर्जी से उड़ सकते हैं, जिधर उनका दिल करे भाई उधर जा सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा, बजीज छोटे केज में ठीक थे या पूरे मेगा केज में ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।